उनकी बात है कि जब आपको लोग जानने लगते हैं तो आपके पास ब्रांड्स आते हैं ब्रांड प्लेसमेंट के लिए कि प्लीज आप हमारा ब्रांड अपनी वीडियो में डालो। सबसे दुखद घटना क्या होगी, मेरी पहली ब्रांड एंडोर्समेंट एक कॉन्ट्रासेप्टिव एड की थी जो अभी प्रोसेस में है। कोई नहीं है तो है, अच्छा ये तो हो गई। तो वो एक्साइटमेंट इतनी थी मेरे अंदर, मैं उछलता कूदता मम्मी के पास, मैंने कहा हर बार की तरह इस बार भी हो जाएगा। मैंने कहा मम्मी ब्रांड मिल गया। कहती कौन सा? मैंने कहा जबरदस्त। कहती है क्या? मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव। कह रही क्या? मैं कॉन्ट्रासेप्टिव का ब्रांड है। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? मम्मी कॉन्डम। क्यों, क्या है ये सब? तो मैंने कहा है, उनको पसंद है। तो क्या करेगा तू उसमें? मैं मम्मी एक वीडियो बनाऊंगा। उस पर कौन सी वीडियो बनाएगा तू? मैंने कहा ब्रांड प्लेसमेंट करनी है। कह रही खबरदार वो चीज इस घर में आई तो। मैंने कहा ऐसा है, अब इतने में माहौल गर्म ही था घर में, तो इतने में अगले दिन कोरियर वाला आ गया इतना बड़ा डब्बा लेके, और रिसीव किसने किया? पापा ने। अब पता क्या है, अब जब कोई बंदा रिटायर हो जाता है ना तो उनके पास दो चीजें रहती हैं, तीन चीजें। पहली चीज सुबह उठ के मोटर ऑन करनी है, दूसरी चीज पूरा अखबार चाट जाना है, और तीसरी चीज जो भी आ रहा है ना कोरियर उसको खोल खोल के देखना है। अगर वो मेरा भी है तो उस पर भी खोलेंगे। तो उस पर लिखा हुआ था फॉर भुवन बाम एंड कंपनी का नाम लिखा था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने खोला और मैं घर पे भी नहीं था, खोला मेरे को फोन आता है, क्या है ये सब? मैं क्या है बाबा, कौन क्या भेज रहा है तेरे को ये सब? मैंने कहा पापा क्या भेजा है? तेरे को नहीं पता क्या भेजा है? मैं क्या है बताओ तो सही। कह रहे इस पे फिर कंपनी का नाम लिया। मैं ड्राइव कर रहा था और मैंने गाड़ी साइड में लगाई। मैंने कहा पापा सुनो, मैंने कहा ब्रांड एंडोर्समेंट है। कह रहे बेटा तू गलत राह पे चल रहा है, गलत राह पे चल रहा है, बहुत गलत राह पे चल रहा है बेटा। करियर की स्टार्टिंग में तूने ऐसा ब्रांड ले लिया, तू आगे क्या करेगा बेटा? मैंने कहा पापा चिल मारो। उस दिन मुझे पता था घर पे जाके सन्नाटा होने वाला है, कोई किसी से बात नहीं करने वाला है, सारे बैठ के आईपीएल देखेंगे। अब क्या हुआ, मैं घर में आया तो घर पे अलग ही सीन। मैं घर में घुसा हूं और पापा, अरे राजा बेटा मेरा आजा बेटा। मम्मी अरे आ गया, मैंने पराठे बनाए आज। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने भाई को देखा, मैं क्या सीन है? कह रहा मुझे समझ नहीं आया कि ये तूफान से पहले की शांति है कि क्या है। अब सारे बैठे डिनर टेबल पे, वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा, वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं क्यों? बहुत अच्छा कर रहा है, मम्मी ने तेरी वीडियो दिखाई। मैं कौन सी दिखाई? कह रही डॉक्टर सैगल वाली। मेरी जान में जान आई। मैंने कहा दिखाई भी तो सबसे सुधरी भी, सबसे प्यारी।